इसका तो मुंह टेढ़ा है। क्या प्रांतो कहीं टूट गई तो हम ही देने पड़ेंगे पैसे। हेलो व्हाट्स गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप सबसे अच्छे होंगे। तो अगेन आ गए एक और व्लॉग के साथ। तो गाइस ये वाला जो व्लॉग होने वाला है ना, ये आप लोग अपनी मम्मी और दीदी को तुरंत से दो, फटाफट से दो, और उनसे बोला हमारे चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। भाई मैं आज जा रहा हूँ ना विषम मंडल कॉलेज, वहाँ पढ़ना। भाई मैंने सुना कि लेडीज़ आइटम जैसे कि कपड़े वगैरह हो गए ना, उसकी ना मतलब मार्केट लगी बहुत बढ़िया। तो अभी मैं जा रहा हूँ और जतिन जा रहा है, हम दोनों लोग जा रहे हैं मार्केट में। तो देखेंगे चल के, मैंने सुना बहुत ज़्यादा और भी आइटम आया है डेकोरेट करने के लिए, बहुत आइटम है। तो फटाफट से चलते हैं और जतिन भी आने वाला है, जतिन और मैं दोनों लोग जा रहे हैं और देख के आते हैं कि क्या क्या आइटम है और क्या क्या आइटम कितने कितने का है। भाई बजट के अंदर है, बजट के बाहर है, देख के आते हैं। गाइज हम लोग उस लोकेशन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पता है बरेली खादी महोत्सव लगा है। मेरे को पता नहीं था यहाँ पे लगा हुआ है बरेली खादी महोत्सव। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देखो ये गेट एक है और एक वहाँ पर एक कार के पास गेट है। तो गाइज अब अंदर चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सामान है। तो फटाफट चलते हैं इसके अंदर देखते हैं चल के। तो गाइज मैं ये कह रहा हूँ जतिन से कह रहा हूँ कि मेरे संग रहा करो, तो ऐसी ऐसी जगह तुम्हें घुमा के लाया करूँगा, वरना तो ये घूम तो पाएंगे नहीं, तो मेरे वजह से घूमने को तभी मिल जाता। लेके नहीं जाता। अरे मैं लेके नहीं आया यार, ये तो बात है, वो तो मना कर देते, तो मैं लेके नहीं आता हूँ। अब मैं लेके आना शुरू कर दूंगा धीरे धीरे। तो गेट के अंदर घुसना है, यहाँ पे कपड़े यहाँ तो सिर्फ कपड़े ही हैं। तो गाइस हम ना गलत उसमें आ गए, वे में मतलब मार्केट जो मेला लगा है वो दूसरी तरफ लगा है। ये भूटिया वालों की मार्केट लगी, जो जैकेट वैकेट पहले मिलती थी ना नगर निगम के पास में, भूटिया मार्केट बोलते थे पहले, तो अब चेंज हो गई है। भाई जो नेपाली मार्केट या चाइनीज मार्केट जिसको बोलते थे वो हटके यहाँ लग गई है। आप लोगों को लेना तो फटाफट से आ जाना। अब हम लोग मेले में चलते हैं, जो रियल मेला हम लोग देखने आए हैं यार। तो गाइज अभी ना मैं मेले के पीछे आया और मेले के पीछे देख रहा हूँ लेडीज टॉयलेट कैसा है। लेडीज टॉयलेट दिखाऊँ आपको कैसा है? ये देखो महिला शौचालय, औरतें जाएंगी इसके अंदर। भाई इसके अंदर कैसे जाएंगी? भाई साहब उसने बोर्ड लगा रखा महिला शौचालय का, इसके अंदर जाएंगे तो जाएंगे कैसे, कैसे जाएंगे इसके अंदर? तो ऐसा चलते हैं दूसरी जगह। गाइस अभी पता है हम लोग थे इस वाली मार्केट में, ये ग्रीन, अब हम जाएंगे इस वाली मार्केट में, टीन वाली में। दो मार्केट दिख रही होंगी, एक इधर है एक इधर है, मतलब ये मेला है और ये मार्केट है, ऐसा है। तो हम लोग मार्केट में पहुँच गए थे, अब हमें जाना है मेले में। तो फटाफट से हम लोग इसके टीन वाले के पास में जाते हैं। इसके अंदर अब जा रहे हैं, ये लगा देखो खादी महोत्सव 2023। अब चलते हैं अंदर। भाई यहाँ पर रंगोली बनी है, भाई साहब क्या लग रही यार, यार ऐसा लग रहा पेंटिंग है भाई, ऐसा लग रहा पेंटिंग है यार, लिटरली भाई ऐसा लग रहा पेंटिंग है भाई। मैंने तो पहली बार देखी ऐसी, जैसे मैट, ऐसा लग रहा मैट बिछी हुई है। सामने गांधी जी बैठे हुए हैं, उनके पड़ोस में कुछ रखा हुआ है, देखते हैं क्या है करके चलाते हैं और उनका कपड़ा बन जाता है। लेकिन ये चरखा नहीं है, ये डिजिटल चरखा है। गांधी जी का तो चरखा गोल गोल होता है यार, ये कुछ और है, ये कुछ और है गाइस, वो मेरे को नहीं पता, चरखा नहीं है। लेकिन जो बुढ़िया के बाल वाला है, अबे नहीं बुढ़िया के बाल वाला है, अरे वो है ये, इसके ऊपर कुछ रख के घुमाते हैं, मिट्टी दिए वगैरह बनते हैं, वो उस पर रख के बनते हैं। हाँ ये डिजिटल वाली है, ये डिजिटल वो है वो, भाई मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, इसके ऊपर रख के मटके वगैरह बनाए जाते हैं, दिए वगैरह बनाए जाते हैं, मेरे को पता नहीं है यार। मैट है ना, कालीन होता है, जादुई कालीन होता तो अभी उड़ के पहुंच जाते, गर्मी लग रही है इसीलिए। अरे डोरेमोन की गुल्लक, डोरेमोन की गुल्लक, लेकिन ये ऊपर क्यों देख रहा, ऊपर क्यों देख रहा, ये ज़्यादा टेढ़ा देख रहा है। अरे ये टेढ़ा देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है, इसमें बहुत सारी गुल्लक है, इसमें एक स्पाइडरमैन भी है, ये देखो। लेकिन यार ये इतना रियल नहीं लग रहा जितना ये रियल डोरेमोन लग रहा है यार, इतना रियल नहीं लग रहा है ये क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई, इसके अंदर वायर लगा हुआ है, इसके अंदर ये क्या है, लैंप नहीं हो सकता, इसके अंदर वायर लगा हुआ है, नहीं इसके अंदर बल्ब है, लैंप ही है, मुझे लगा ये हीटर हो सकता है, क्या पता घर को वो करने के लिए, लेकिन बल्ब लगा हुआ है, देखो बल्ब लगा दिख रहा, ऐसे करा देखो, दिख रहा नहीं दिख रहा, इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है, ये लैंप है भाई, लैंप अच्छा है, लैंप चीनी मिट्टी का।
अबे मतलब ये सारे के सारे लैंप है ये? ना इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर मोमबत्ती रखते हैं। चलो और कुछ देखते हैं। भाई इतना छोटा बैग खुला हुआ है ये रहा। इससे होगा क्या? क्यों ये ऐसा होगा क्या? फ्लावर पॉट ऐसे ही। अच्छा ये फ्लावर पॉट है, इसके अंदर फूल डाले जाएंगे। यहाँ पर भाई देखो फ्लावर पॉट की बहुत सारी वैरायटी है, आप लोग देखो भैया। ये और है, और है, और भी है दूसरा। इसका तो मुंह टेढ़ा है, आंखों में कीचड़ आ गया इसके। ये देखो ये शंख वाला, और भी है, रख दो चुपचाप ऐसे ही। भाई इसमें तो मुझे लग रहा है आधी दुकानें अभी तक खाली की खाली है, जिसे भाई लगानी है फटाफट से लगा लो। ये देखो है खाली, ये देखो पूरी खाली दुकानें अभी, कुछ कुछ लग गई है, कुछ कुछ खाली है। आप लोग लेना फटाफट से आ जाओ ले लो आके। फोन पड़ता भैया इसके अंदर, ये बचाने के लिए रखा है खाली ऐसे, पाँच घंटा करने के लिए। अच्छा वो निकाल लेते हो? क्या रेट है इसका? रेट भी सही। अरे मैंने इंस्टाग्राम वगैरह देखा, कुकर वूकर भी होते हैं आपके पास? कढ़ाई ये तो इस तरीके से भगवाने टाइप का हो गया ना। वो कुकर में सीटी वीटी भी देखी मैंने, वो है अभी हमारे पास नहीं। अच्छा और बर्तन से जाले बर्तन सही रहते खाने वाले, अगले लोग ऐसे ही तो खाते थे मट्टी में। कहाँ से वैसे आप लोग? बरेली के जाने वाले हो? सामान ये आप बनाते हो या कहीं से लाते हो? बनाते हैं बाहर से भी, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने अभी हाल फिलहाल में देखी बरेली में, वरना तो ये चीज़ तो पहले मैं देखता नहीं था। मुझे खुद हाँ अभी चीज़ें चालू हुई हैं। इतने प्यारे प्यारे कप है ना उधर पे, बहुत प्यारे प्यारे कप लग रहा है। भाई मैं ये सोच रहा था जैसे कि अगर इन कप में चाय किसी को दो और चाय बेकार भी बनी हो तो इंसान यही सोचेगा कि यार इनका शायद बनती ही ऐसी है। क्या वीआईपी चाय है? क्या वीआईपी चाय है? बनती ही ऐसी। भाई इतने प्यारे प्यारे कप है। भाई दिल की कटोरी। अबे ये क्या सुराई है क्या? निकल गई मुझे लगा पैर रगड़ने के लिए जी यार। मुझे लगा पैर रगड़ने के लिए जी। ग्लास लस्सी वाली ग्लास। भाई साहब इसे छूने बड़ा मजा आ रहा है यार, एकदम प्योर चिकनी चिकनी। चुपचाप रख दो, कहीं टूट गई तो हम ही देने पड़ेंगे पैसे। लड्डू गोपाल के लिए वो है, बेड है, सोफे हैं। ये देखो सोफा है, ये भी सोफा है, ये बेड है, कपड़े से बने हुए खिलौने हैं सारे, सारे का सारा कपड़े से बना यार।
भाई क्या आपने इतने सारे हनी को कभी सुना है? ये देखो इतने सारे हनी, नाम पढ़ लो इससे भैया धागा बन जाएगा। वही देख रहा था। तो गाइस हम लोगों ने ना पूरा मेला देख लिया, अभी थोड़ा भीड़ भाड़ का काम है, आधी दुकानें खुली नहीं है, लग रहा है हम लोग गलत टाइम पे आ गए। हम लोगों ने पूरा मेला देख लिया और आप लोग बताओ, आप लोगों को इस चीज़ में से मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने देखा है, आपको उसमें से क्या पसंद आया? ठीक है गाइस, तो फिर गाइस आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।